आज हम जानेंगे कि एक फ्रेशर रेज्यूमे किस तरीके से बनाया जाता है, साथ ही उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रेशर रेज्यूमे बना रखा है क्योंकि कम टाइम में आपको पूरी तरह से समझाना भी है। सबसे ऊपर मैंने अपना नाम लिख दिया है, KL कुमार। मोबाइल नंबर डालना बहुत ही ज़रूरी है, साथ ही ईमेल आईडी भी डालना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कभी अगर HR आपसे संपर्क करना चाहें मेल आईडी से, फ़ोन नंबर से, वो संपर्क कर सके। सबसे पहले हम अबाउट माई सेल्फ स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव आता है, अगर आप फ्रेशर हैं या 6 महीने से कम की जॉब कर रखी है। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी क्यों ज़रूरी है। जब भी आप इंटरव्यू देके आते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पर HR मना कर देता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या बताएंगे, और कुछ दिन बाद कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो जाता है कि उन्हें उसी कैंडिडेट में से कोई कैंडिडेट सेलेक्ट करना होता है, तो वो रेज्यूमे पे जो नंबर होता है उस पर ट्राई करते हैं या मेल भेजते हैं। इसीलिए अपना ऐसा मोबाइल नंबर दें जो हमेशा आपके पास रहे, मेल आईडी ऐसी दें जिसे आप रोज़ चेक करते हों, ताकि वो कोई मेल भेजे तो आप डेली चेक करते हों तो आपको मेल मिल जाए। सबसे पहले हम अगर फ्रेशर हैं तो अबाउट माई सेल्फ और कैरियर ऑब्जेक्टिव दोनों ही लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो हम केवल कैरियर ऑब्जेक्टिव ही लिखते हैं। फ्रेशर होने में रिज्यूमे को थोड़ा सा बड़ा दिखाना होता है, इसकी वजह से अगर अबाउट माई सेल्फ लिखते हैं तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्सनैलिटी है, वो HR को समझ में आ जाती है, जैसे कि आपने अपने बारे में बताया है। और आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी आप किस तरह की कंपनी में किस तरह की जॉब करना चाहते हैं और आगे आने वाले टाइम में अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये कैरियर ऑब्जेक्टिव से समझ में आ जाता है। अगला जो टॉपिक है वो हम डालते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस का। अगर हम फ्रेशर हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, तो रिज्यूमे में ज़्यादा कुछ लिखने के लिए होता नहीं है, इसीलिए हमें अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीज़ें लिखनी होती है। तो हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है जॉब से रिलेटेड, वो चीज़ें हम लिखते हैं। जैसे कि मैंने स्ट्रेंथ में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स, गुड एबिलिटी टू डील विद द कंसर्न पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये मैंने स्ट्रेंथ में लिख दिया। यहाँ पर कैरियर ऑब्जेक्टिव में ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक कीन डिजायर टू एक्सेल वाई वर्किंग इन ए कंपनी विद द एम टू बिकम ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल इन द कॉरपोरेट वर्ल्ड मैंने लिखा है, यानी मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ जहाँ पर इंडस्ट्री के साथ मेरी भी ग्रोथ होती रहे और मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकूँ। तो ये हम ऐसा लिखते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो। स्ट्रेंथ में हम अपनी जो मजबूती होती है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ें जॉब से रिलेटेड डालते हैं, और वीकनेस हम ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि अगर HR पूछता है तभी हमें बतानी होती है, वो भी आपकी जॉब से रिलेटेड ही होनी चाहिए। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया अपने बारे में, BA फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी इन 2003, इंटरमीडिएट फ्रॉम यूपी बोर्ड, हाई स्कूल फ्रॉम यूपी बोर्ड। इसके बाद एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन यानी कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपने क्या करा है, या इसे सर्टिफिकेशन भी कॉलम डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने छोटा मोटा कोर्स जो भी किया है, टैली, MS ऑफिस, कंप्यूटर स्किल्स का, वो चीज़ें डाल सकते हैं, ऑटो कैड किया है या कोई सॉफ्टवेयर हमने सीख रखा है, जिसका कोचिंग ली है, सीखा हुआ है, हमारे पास कोई छोटा सा सर्टिफिकेट भी है, वो चीज़ हम यहाँ पर डाल सकते हैं, जो कि हमारे जॉब इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगी। यानी कि जो भी मेरा रिज्यूमे देखेगा उसको काफ़ी चीज़ें मेरे बारे में मालूम चल जाएंगी और वो मुझे ज़रूर इंटरव्यू के लिए बुलाएगा या कॉल करेगा। इसके बाद हम पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, जैसे कि मेरा जो नाम है, हालांकि नाम मैंने ऊपर डाल रखा है लेकिन फिर भी अगर फ्रेशर रेज्यूमे है तो ज़्यादा टॉपिक रहता नहीं है लिखने के लिए, तो इसलिए पर्सनल डिटेल में नाम हम दोबारा भी डाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी नाम आप ऊपर डाल चुके हैं। फादर्स नेम डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, एड्रेस अपना,
करंट एड्रेस डालना चाहिए, यानी ऐसी लोकेशन जो जॉब के पास हो, उसी स्टेट में हो, उसी डिस्ट्रिक्ट में हो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी जल्दी आ जाती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम रिज्यूमे देखते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट के जो भी रिज्यूमे आए होते हैं, तो हम जो दूर का एड्रेस डाल रखा है जिसने, हम उसको कॉल नहीं करते, क्योंकि हमें कैंडिडेट जल्दी सेलेक्ट करना होता है और जॉब पे जल्दी रखना होता है और वो डेली जॉब पे आएगा भी, तो हम उसके रिज्यूमे को देखकर ही समझ लेते हैं कि वो पास में रहता है और वो डेली सही टाइम पर ऑफिस आ सकता है और इंटरव्यू के लिए भी सही टाइम पर जल्दी आ सकता है। इसीलिए हम दूर के एड्रेस वाले जो एम्प्लॉई होता है उसको कॉल नहीं करेंगे, लेकिन जिसने पास का एड्रेस डाल रखा है, हमारे आसपास है, तो हमें पता होता है कि वो जल्दी से आ जाएगा, तो उसको हम कॉल करते हैं। इसीलिए जब भी आपका रिज्यूमे हो तो उसमें करंट एड्रेस ही डालना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, बेनिफिट करेगा। अगर एड्रेस कहीं दूर का है तो आप अपने रिलेटिव्स या किसी का भी डाल दीजिए और इंटरव्यू में बता सकते हैं कि आपका ये एड्रेस है, अभी आप करंट में यहाँ पर रह रहे हैं। इसके बाद नेशनलिटी डाल दीजिए, इंडियन, लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, हिंदी, इंग्लिश, मैरिटल स्टेटस क्या है, यानी मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या चीज़, वो डाल दीजिए। बहुत बार हमें ऐसे कैंडिडेट लेना होता है जो मैरिड ना हो, बहुत बार हमें ऐसा कैंडिडेट लेना होता है जो कि मैरिड हो। ये जॉब पे डिपेंड करता है, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग सोच पे डिपेंड करता है, एचआर की क्या सोच है और ऑफिस का जो ऑनर है उसकी क्या सोच है, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड कर जाती हैं। इसके बाद डेट, प्लेस और अपना सिग्नेचर करने के लिए नाम लिख देंगे। अब हम अलग से इसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगा सकते हैं। अगर आपने इसे प्रिंट करवा के किसी को देना है तो आप अलग से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डाल सकते हैं, नहीं तो अगर किसी को मेल पे भेजना है, व्हाट्सएप करना है, तो भी आप फ़ोटो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक फ्रेशर का रिज्यूमे बनाया जाता है जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन ली हो, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ना हो, जैसे कि BTech, MBA, MTech ऐसा। तो इस तरह से एक साधारण हम अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं, एक पेज का रहेगा, एक पेज से ज़्यादा का रिज्यूमे नहीं बनाना चाहिए जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं, ये मेरी एडवाइस रहेगी, क्योंकि दो पेज का अगर आप बनाएंगे तो लिखने के लिए कुछ होता नहीं है, और अगर आपने बना बना के अपनी मन से काफ़ी कुछ लिख दिया तो HR उसी में से आपसे सवाल पूछेगा और आप फंस जाएंगे। इसीलिए फ्रेशर लोगों को एक पेज का ही रिज्यूमे बनाना चाहिए अगर उन्होंने ट्रेडिशनल कोर्स करा है, जैसे कि BA, MA, BCom, BSc, MSc, तो इस तरह के जो भी कोर्सेज हैं वहाँ पर कम ही एक ही पेज का होना चाहिए। अगर आपने BTech, MBA, MCA किया है तो आप दो पेज का रिज्यूमे बनाइए, वहाँ पर एक पेज का रिज्यूमे नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप फ्रेशर भी रहेंगे तो भी आपने प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कहीं करी होगी, क्योंकि वो सिलेबस में होता है, किसी कंपनी में 2-3 महीने काम किया होगा एज ए ट्रेनिंग रिपोर्ट बनाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं जो कि डेढ़ पेज में आ जाती हैं, डेढ़ पेज में आसानी से आ जाती हैं। साथ ही अगर आप MBA के स्टूडेंट हैं तो आपने कहीं बिजनेस क्विज में हिस्सा लिया होगा या किसी टॉक शो में हिस्सा लिया होगा कॉलेज स्तर पर, वो सारी चीज़ें लिखते हैं, इसलिए दो पेज का रिज्यूमे आसानी से बन जाता है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।